आ जाओ भाई, ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम। आ गए हो चने वाला, जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल योगी जी, लगा दूं चटपटे चने? कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी, कोई लेना ले, एक प्याली चने मुझे तो लगा दो। तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी, कितने रुपए की चने की प्लेट है एक? जरा हमें भी दे दो। लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी, यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है। नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी, आपका चना जोर गरम खाकर। थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो। बड़ा मजा आ रहा खाते हुए। क्या बात है मोदी जी। अरे मोदी जी, तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के। बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी, चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल, कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़क पा चुके अपने चनों पर। चलो मोदी जी, मुझे तो दे ही सकते हो चने। मेरे पास 50 पैसे पड़े हैं, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में। मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा। और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अगले जितनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुटरते रहो। मेरा कहने का मतलब है, इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने। लो ये लो चने। अरे राहुल मोदी जी, चने उधार नहीं दे रहे, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर। लाओ दे दो, तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गरम है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी, क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखते हो, ये कोई बात नहीं होती। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, एक हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठा ले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठा ले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में, जाओ गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ। जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी, तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था। उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी, बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी, कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश, मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते। जाओ सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ। राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है। नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है। जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो राहुल, क्या दिक्कत है? पूरे गांव में पानी पानी है चारों तरफ, और तुमने मुझे इतने पानी में यहाँ पर बुलाया है। तुम्हारे खातिर मैं अपना क्लिनिक बंद करके आया हूँ। लाओ हाथ लाओ इधर, मैं चेक करूँ तुम्हें, क्या दिक्कत है बताओ। अरे क्या मोदी डॉक्टर साहब, मुझे क्या चेक कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हें ये चेक करने के लिए बुलाया है, इस गांव का पानी कब खत्म होगा, कब बाढ़ खत्म होगी, बताओ चेक करके जरा बताओ। तुम तो डॉक्टर हो मोदी जी, बताओ।
अरे कैसी अजीबोगरीब बात करती हो राहुल, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ कि मौसम का डॉक्टर हूँ? लगातार बारिश हो ही जा रही है, ऐसे क्या पता बाढ़ कब खत्म होगी। मुझे क्या पता, तुम अपना चेकअप करवाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? मैं समझा तुमने अपने चेकअप के लिए मुझे बुलाया है। अरे हमें अपने चेकअप के लिए तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है, हमें तो कोई दिक्कत होती है या कोई तबीयत खराब होती है हम तो जड़ी बूटी खा लेते और ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो जाते। लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि तुम डॉक्टर हो तो कम से कम बताओ तो ये बाढ़ कब खत्म होगी, चेक करो जरा, चेकअप करो बाढ़ का। योगी जी तुम समझा नहीं सकते इस राहुल को, ये कैसी बातें कर रहा है। अरे सही तो कह रहा है राहुल मोदी जी, अरे बताओ ये बाढ़ कब खत्म होगी, हमारे तो आंकड़े फेल हो गए, हमने कहा था 2 दिन में खत्म हो जाएगी लेकिन 1 हफ्ता होने को जा रहा है, अभी तक तो गांव की बाढ़ खत्म हुई नहीं है। अब हमने कहा डॉक्टर साहब को बुलाते, वो ही चेक करके बताएंगे इस गांव की बाढ़ कब खत्म होगी। अरे योगी जी तुम भी राहुल की साइड हो गए, तुम भी राहुल की तरह बातें कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं अपना क्लिनिक बंद करके आया हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तुम इंसानों के डॉक्टर हो तो जरा मुझे चेक करके बताओ मुझे कितनी भूख लगती है और मैं कितना पानी पीता हूँ दिन भर में। अरे योगी जी तुम उल्टा कह रहे हो, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम्हें कितनी भूख लगती है और कितना पानी पी लेते हो दिन भर में। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, जिस नाव पे मैं बैठा हूँ इस नाव में अगर छेद कर दिया जाए तो कितनी देर में ये पानी से भर जाएगी, बताओ बताओ, फिर मैं छेद करता हूँ। अरे कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हो राहुल, मैं डॉक्टर हूँ कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूँ जो ये बताऊंगा कि नाव में छेद कर दो तो कितनी देर में नाव भर जाएंगी पानी से। भाइयों को बीड़ियों को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको रोको मोदी जी रोको, अपने हाथी को यहीं पे रोक लो। अरे मोदी जी तुम ऐसी चीजें खरीदते फिरते हो, अरे तुमने हाथी खरीद लिया, तुम इस हाथी को अंदर गांव में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता योगी सर जी, आप बताओ क्यों नहीं ले जा सकता, हाथी पालने में कोई दिक्कत है? अरे मैं हाथी खरीद के लाया हूँ, अभी गाँव में भी नहीं घुसा हूँ, रास्ते में ही तुमने रोक लिया मुझे, वजह तो बताओ क्या दिक्कत है। अरे कोई एक दिक्कत हो मोदी जी तो बताऊँ मैं, हाथी पालने में दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा घर बीच गाँव में, बीच गांव में ये हाथी रहेगा तो कभी भी दिक्कत कर सकता है अगर ये भड़क उड़क गया। और सबसे मेन चीज अखिलेश ने शिकायत की है, क्योंकि अखिलेश का घर तुम्हारे घर के बराबर में है, अखिलेश ने आपत्ति जताई है कि तुम उसके घर के बराबर में हाथी नहीं पाल सकते, उसे हाथी से बहुत डर लगता है। तो ये सब इसका करा धराया है, यही लेके आया है तुम्हें ये अखिलेश, खड़ा भी है तुम्हारे बराबर में। हाँ मोदी जी मैं ही लेके आया हूँ, मैं अपने घर के बराबर में तुम्हें हाथी पालने के लिए नहीं दूंगा। अखिलेश दिक्कत तुम्हें हाथी पालने से थोड़ी है, जब मैं हाथी खरीदने के लिए गया तुम्हें लेकर नहीं गया, राहुल को और लालू जी को ले गया, दिक्कत इस बात से है तुम्हें। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो मोदी जी जैसे मैं कभी हाथी पर बैठा ही नहीं हूँ। अगर अखिलेश तुम कभी हाथी पर बैठे होते तो हमें देखकर यूं जलते नहीं और हाथी गांव में अंदर आने से रुकवाते नहीं। चलो ले जाओ अपने हाथी को, पाल लो मेरे घर के बराबर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी जाने दो इनके हाथी को, 2 दिन में ये अपने हाथी को बेच देंगे क्योंकि ये इसे इतना चारा खिलाई नहीं पाएंगे। अरे खाने से एक बात याद आई मोदी जी, मैंने सुना था हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे इस हाथी के दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, ये तो बूढ़ा हाथी है, इसके दांत गिर गए। तभी तो कहूँ मैं मोदी जी तुम्हें इतना सस्ता हाथी कैसे मिल गया, 500 रुपए का हाथी किसी ने तुम्हें क्यों बेच दिया, ये बूढ़ा हाथी हो चुका है। मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि इसके दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, लगता है वो दांत गिर गए इसके, बूढ़ा हो गया ये। अरे योगी सर जी और राहुल ये हाथी बूढ़ा नहीं हुआ, ये अभी बच्चा है, अभी इसके दांत जमे ही नहीं है दिखाने वाले। चलो वो सब छोड़ो, तुम 3 लोग बैठे हो हाथी पर, चालान कटवाओ अपने हाथी का, जैसे मोटरसाइकिल पे 2 सवारी माननी होती है ऐसी हाथी पर भी 2 सवारी मानने हैं। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।